latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. Hi guys, welcome to Movies Adda. मैं हूँ आपका host अमरप्रीत. Guys, Race 3 के लिए already काफी excitement बनी हुई है. हमें खबर मिली है कि शायद कुछ दिनों में ही उसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है. तो ये रेस 3 तो आने ही वाली है, लेकिन इसके साथ साथ एक और रेस शुरू हो चुकी है. हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली इसके वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में अभी से रेस चालू हो गई है कि कौन इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड राइट्स को खरीदेगा. सो इसमें जो टॉप कंटेंडर्स है वो है इरोस, यशराज एंटरटेनमेंट एंड रिलायंस एज वेल. और भी एक प्रोडक्शन हाउसेस है, ये सारे लगे हुए हैं रेस में. लेकिन खबर ये है कि रमेश तौरानी और सलमान खान जो रेस 3 को खूब प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेस 3 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को इरोस इंटरनेशनल को 190 करोड़ में बेच चुके हैं. ये सिर्फ खबरें हैं, अनुमान है. फिलहाल इस पे रमेश तौरानी ने कोई कमेंट दिया है, ना ही इरोस इंटरनेशनल ने कोई कमेंट दिया है. लेकिन खबरें तो ये आ रही हैं कि इरोस इंटरनेशनल इस बार बाजी मार चुका है और रेस 3 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को अपना बना चुका है. सो दोस्तों 190 करोड़ ऑलरेडी. आप लोग सोच सकते हैं, सलमान की फिल्म नहीं होती, ऑलरेडी वो ब्लॉकबस्टर का लेवल अपने साथ लेके घूमती है. तो आप सोच सकते हैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस कितना पैसा देने को रेडी है. क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि टाइगर जिंदा है पिछले साल जो 339 करोड़ थर्ड हाईएस्ट डोमेस्टिक ग्रॉसर ऑफ ऑल टाइम इन बॉलीवुड कर चुकी है. तो आप सोच सकते हैं कि रिलीज से पहले ही कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है रेस 3 को लेके कि इरोस इंटरनेशनल ने 190 करोड़ का ऑफर सलमान खान को और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी को दिया है. सो दोस्तों आपको क्या लगता है किसको जाने वाला है, इरोस को, रिलायंस को या यशराज जी इसको लेकर जाने वाले हैं? आप लोग हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में. और आप लोग ये भी बताएं कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है रेस 3 से और क्या लगता है ये फिल्म टाइगर जिंदा है कि 339 करोड़ के बिजनेस को क्रॉस कर पाएगी कि नहीं, हमारे कमेंट सेक्शन में. तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, खूब सारा शेयर करें. थैंक यू सो मच. सलमान खान एंड करिश्मा कपूर हैव शेयर्ड स्क्रीन स्पेस इन क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स इंक्लूडिंग जुड़वा एंड बीवी नंबर 1 एंड द टू आर वेरी गुड फ्रेंड्स. But once Lolo moved out of the industry, her sister Kareena Kapoor began her career and she too has worked with Salman Khan. Yes, Bebo too shares a strong bond with Salman, but during a television show, Karishma claimed, "Salman is more closer to me than to Kareena. We have shared a very long-standing relationship. For Salman, Kareena is like a little sister and he still considers her to be a child." Well, so do you agree with Karishma's statement? Do let us know by commenting in the section below. गाड़ी पीछे ले लो यार, वहीं कराए तुम. एक मिनट ऊपर वाले आ रहे, आ रहे, ला रहे, ला रहे. वो तो चिल्लाओ यार.
थोड़ा टर्न कीजिए, थैंक यू। कटिंग पीछा कर सकते हैं, बस बस हो गया, नहीं मिला था तो नहीं मिला, नहीं मिला कटिना जी का मिला ही नहीं। थैंक यू कटिना जी, थैंक यू। थोड़ा टर्न कीजिए, थैंक यू। कटिना जी पीछा कर सकते हैं, बस बस हो गया, नहीं मिला था तो नहीं मिला, नहीं कटिना जी का मिला ही नहीं। थैंक यू कटिना जी, थैंक यू। Fighting is quite common in the industry, and when it comes to Salman Khan, the Sultan of Bollywood, then it will be even more severe. Well, recently there was news that Sonakshi Sinha and Jacqueline Fernandez were quite insecure after Katrina Kaif joined the team of the Bang International Tour. Apparently, these three ladies are quite close to Salman Khan. Well, Sonakshi Sinha earned her place in Bollywood after her debut as Rajjo in the Dabang series. Jacqueline will be seen as Salman's Jessica in Race 3. And Katrina, well, apart from being his former lady love, she's also his tigress Zoya from the films Ek Tha Tiger and Tiger Zinda Hai. Now, sensing this unrest amongst the three, Salman sorted things out by ensuring that all three would get equal stage time, which means that each of them would perform to three of their hit numbers. So finally, all is well that ends well. Henna, ever since the posters of Race 3 are out, accolades have not stopped pouring in, and former Big Boss contestant Ejaz Khan has left us stunned with his tweet, which said, "Salman bhai, ek number poster hai bhai. Agar Oxford apne baap ka hota, to I would have replaced the meaning of superstar as Salman Khan. All the best. Allah bless you. Race 3 this Eid." Well, well, well. So now Ejaz wants Oxford Dictionary to change the meaning of superstar. And this clearly reflects the kind of respect he has for Salman Khan, whose film Race 3 will be releasing this Eid on 15th June. Now going by the hype, and of course Ejaz's recent comment, we are sure that the film will race ahead at the box office and win all hearts. But in the meanwhile, do let us know what do you have to say about Ejaz's comment. And keep watching this space for the interesting tidbits from the world of cinema. सही समय पे सही वक्त पे, जैसे कि आपने कहा कि आप लोग हमेशा हमेशा स्पेशली मीडिया, हम मेरे करियर में, हमारे पूरे परिवार के करियर में, मेरे फादर ने जब से अपना करियर शुरू किया, हम 60 साल से इस इंडस्ट्री में, तो हमेशा साथ दिया है। और सही वक्त पे हम सब चीज़ें, कोई चीज़ आपको बता देंगे कि कब किस वक्त, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि क्यों लाइटें हैं और क्यों शहनाइयाँ बज रही हैं। डेट को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं, आपको सब मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हम नहीं छुपाएंगे, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, जून ईद पर रिलीज हो रही है, और ये फिल्म जो है सलमान साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं रमेश तुरानी के साथ, तो ये बहुत ही दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोड्यूसर्स हैं, और इस फिल्म में सलमान ने बहुत दिल खोल कर चीज़ें की हैं, और मुझे लगता है कि
ये जब आप लोग ये फिल्म देखेंगे ईद पर तो लोगों को लगेगा नहीं यार ये मज़ा आ गया है इसमें बात यू नो क्योंकि दिल से बनाई ये फिल्म सलमान साहब ने फिल्म सलमान के साथ स्क्रीन स्पेस यू आर शेयरिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक आफ्टर नो एंट्री के बाद हम आपको वापस देखेंगे तो कैसा था एक्सपीरियंस वर्किंग विद सलमान के साथ तो हमेशा मैंने मेरे ख्याल से मैक्सिमम काम यू नो एज एन एक्टर मैंने काफ़ी किया मैंने मतलब मैं जब गिन रहा था मैं 4-5 फिल्में की हैं और ज़्यादातर फिल्में लोगों को पसंद आई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म भी लोगों को पसंद आए सलमान साहब के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब काम करता हूँ तो ऐसा लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ इट्स मोर ऑफ यू नो हैविंग अ यू नो पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो बड़ी पॉजिटिव रहती हैं तो मेहनत भी करते हैं काम भी करते हैं और थोड़ा हंसी मजाक भी चलता रहता है तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा एटमोसफियर होता है तो फिल्में अच्छी बनती हैं एंटरटेनिंग बनती हैं तो ये फिल्म ज़रूर आप लोगों को एंटरटेन